नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में किशोर और बुजुर्ग तलाश रहे हैं रोजगार। कांग्रेसी कन्हैया कुमार, जिग्नेश और हार्दिक पटेल के साथ पहुंचे पटना। सूबे में बारिश के बीच ठंड ने दे दी दस्तक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने धर्मपत्नी के साथ किया पटना भ्रमण। पंचायत चुनाव के चौथे चरण में भी कई नए चेहरों ने जीता चुनाव। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने धर्मपत्नी के साथ किया पटना भ्रमण। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने बिहार दौरे के तीसरे दिन आज सुबह ही पटना के मशहूर धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया। इस दौरान उनके साथ देश की प्रथम महिला यानी कि उनकी धर्म पत्नी सविता कोविंद भी मौजूद रही थी, जिन्हें वो खुद दर्शन कराते नजर आए। सबसे पहले वे सुबह में पटना सिटी स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे पहुंचे और वहां मत्था टेका। उसके बाद वे पत्नी के साथ पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर पहुंचे और मंदिर का दर्शन आम भक्तों की भांति किया। हालांकि मंदिर में उनके हाथ पैर धोने के लिए अलग से व्यवस्था की गई थी। इस दौरान राष्ट्रपति ने नैवेद्यम का भोग लगाया और मंदिर के आचार्य कुणाल किशोर ने उन्हें पूजा अर्चना कराई। इसके बाद गर्भगृह की भी परिक्रमा की। इस दौरान राष्ट्रपति मंदिर में स्थापित दो प्रतिमा की चर्चा अपनी धर्म पत्नी से करते नजर आए। आपको बताते चले कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और मुख्य इलाकों पर बैरिकेडिंग लगी थी, जिस कारण से दोपहर तक लोग जाम में फंसे दिखे। पंचायत चुनाव के चौथे चरण में भी कई नए चेहरों ने जीता चुनाव। बिहार में चौथे चरण के पंचायत चुनाव का चुनाव बुधवार को वोटिंग होने के बाद आज सुबह से ही मतगणना की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें कई प्रखंडों से चुनाव के नतीजे वाकई में हैरान करने वाले आए। इस चरण में भी कई नए मुखिया को लोगों ने चुना है, तो वहीं कई जगहों पर कल तक नतीजे सामने आ जाएंगे। सुबह 8 बजे से ही कड़ी सुरक्षा के बीच मतों की गिनती शुरू हुई। आपको बताते चले कि प्रशासन की तरफ से मतगणना केंद्रों के आसपास बैरिकेडिंग की गई थी और बिना पास के किसी को भी अंदर आने नहीं दिया जा रहा था। काउंटिंग की सुरक्षा व्यवस्था 4 लेयर की रखी गई थी। आपको बताते चले कि इस चरण में पहले ही 3,220 उम्मीदवार निर्विरोध रूप से जीत चुके हैं, जबकि 88,137 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतगणना के जरिए जारी हो रहा है। बिहार में किशोर और बुजुर्ग तलाश रहे हैं रोजगार। NCS यानी कि नेशनल करियर सर्विस पोर्टल, जो कि देश भर में बेरोजगारों का पंजीकरण करती है, उसने एक बड़ा खुलासा बिहार को लेकर किया है। इस पोर्टल के मुताबिक बिहार में बेरोजगारों का सैलाब भरा है। बीते सितंबर तक इस पोर्टल पर बिहार के 12,30,018 लोगों ने खुद का पंजीकरण करवाया है, जिसमें से 9,85,740 पुरुष, तो 2,43,171 महिलाएं और 218 किन्नरों ने पंजीकरण करा है। हैरानी की बात तो यह है कि रोजगार मांगने वालों में सबसे अधिक वैसे लोग हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गए, तो वहीं स्नातक पास दूसरे स्थान पर है। वे उम्र की बात की जाए तो बिहार के 18 साल की कम उम्र वाले बच्चों का प्रतिशत पंजीकरण करवाने वालों में सबसे ज्यादा 82,616 है, तो वहीं 64 साल से ऊपर के बुजुर्गों ने भी काम की तलाश के लिए खुद को पंजीकृत किया है। वहीं सबसे ज्यादा बिहार के 25 वर्ष से 34 वर्ष के युवाओं ने खुद को इस पोर्टल पर पंजीकृत किया है। बिहार में बारिश के बीच ठंड ने दे दी दस्तक। सूबे बिहार के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, वहीं इसके साथ ही पश्चिमी हवाओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ऐसे में ठंड जल्द ही दस्तक देगी। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के उत्तर पश्चिम एवं आसपास चक्रवाती परिसंचरण का बना क्षेत्र अब पूर्वी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास में फैल गया है, जिसके प्रभाव से आज उत्तर मध्य बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर व समस्तीपुर के अलावे उत्तर पूर्व बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार जिले में एक या फिर दो जगहों पर वर्षा की संभावना है। वहीं पटना समेत सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 सप्ताह तक कमोबेश पूरे राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा। बिहार में ठीक हुए मरीजों की संख्या जितने ही कोरोना के नए मरीज मिले। सूबे बिहार में कोरोना केस के घटने के साथ ही बीते कुछ दिनों से मरीजों के स्वस्थ होने की रफ्तार धीमी पड़ गई थी, मगर ताजा आंकड़ों में रिकवरी रेट में सुधार हो रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से रिलीज किए गए बीते दिन के पिछले 24 घंटों के आंकड़े के मुताबिक 6 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है और ठीक होकर अपने अपने घर को लौट गए। तो वहीं राज्य में इस दौरान 6 नए मरीज भी मिले हैं, जिनमें सबसे अधिक पटना से 4 मरीज मिले, तो वहीं जमुई और किशनगंज से 1-1 नए मरीज की पुष्टि हुई है, जिसके बाद अब राज्य में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 29 हो गई है। वहीं रिकवरी दर में सुधार होकर यह 98.66% पर पहुंच गया है।
पटना वेमेंस कॉलेज में अब कॉलेज के ड्रेस कोड में ही आएंगी छात्राएं। बिहार के सबसे फेमस महिला कॉलेज पटना वेमेंस कॉलेज, जहां अमूमन बिहार और बाहर की भी लड़कियां पढ़ने के लिए आती हैं, वहां अब छात्राएं अपने मनमर्जी के ड्रेस पहनकर नहीं जा सकेंगी। कॉलेज प्रबंधन ने अपना खुद का ड्रेस कोड जारी कर दिया है, जिस दिन के अनुसार ही सेमेस्टर छात्राओं को पहनकर आना होगा। वही वेमेंस कॉलेज के प्राचार्य के आदेश के मुताबिक सेमेस्टर 1 और 2 की छात्राओं को सोमवार और बुधवार को सलवार कमीज और दुपट्टा पहनकर आना होगा, जबकि सेमेस्टर 3 और 4 की छात्राओं को मंगलवार और गुरुवार को ड्रेस कोड का पालन करना होगा, जबकि सेमेस्टर 5 और 6 की छात्राओं के लिए बुधवार और शुक्रवार को सलवार कमीज और दुपट्टा पहनना अनिवार्य होगा। वहीं छात्राएं इसके अलावे लेगिंग्स और प्लाजो भी पहनकर कॉलेज आ सकती हैं। पटना के नए बस अड्डे में जल्द शुरू होंगी नई सुविधाएं। बीरापुर बस स्टैंड से उठकर बैडिया में पटना के नए बस स्टैंड के शिफ्ट हुए महीनों बीत चुके हैं, हालांकि अब यहां भी कई अन्य यात्री सुविधाओं की दरकार है, जो कि धीरे धीरे शुरू की जा रही है। इसे लेकर दूर के यात्रियों की सहूलियत के लिए यहां जल्द ही 20 रेस्टोरेंट ओपन ऑक्शन के तहत खोले जाएंगे। वहीं जाम से मुक्ति दिलाने के लिए 0 माइल के पास गोलंबर बनाया जाएगा। इस बाबत नगर विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने बीते दिन बस स्टैंड और उसके आसपास की जगहों का निरीक्षण किया और साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि छठ पूजा के बाद राजधानी पटना के हर छोर से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल तक सिटी बसों का संचालन होना चाहिए। साथ ही साथ टर्मिनल में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए जनरेटर की सुविधा रखने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। NMCH में बच्ची की जान जाने पर परिजनों ने जमकर मचाया बवाल। पटना सिटी के अगमकुआ स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल में बीते देर शाम शिशु विभाग में इलाजरत एक बच्ची की जान चले जाने पर उसके परिजनों ने जमकर बवाल मचाया। इतना ही नहीं, शिशु विभाग में गुस्से में आकर तोड़फोड़ करने लगे, जिसके डर से वहां मौजूद डॉक्टरों और नर्स को भी दूसरे वार्ड में भागना पड़ा। हालांकि सूचना मिलने के बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई, जिसके बाद हंगामा करने वाले लोग भी फरार हो गए। इस मामले में दोषियों को पकड़ने के लिए पुलिस में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक अपनी 4 वर्षीय बच्ची को इलाज के दौरान खोने पर परिजनों का आक्रोश अस्पताल प्रशासन पर ही फूट पड़ा। बिहार में साल के अंतिम दिन तक 8 करोड़ वैक्सीनेशन का रखा गया लक्ष्य। सूबे बिहार में सरकार हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने की मुहिम को हर दिन तेज कर रही है। जहां पहले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे सरकार ने दिसंबर से पहले ही तय कर लिया, तो वहीं अब 31 दिसंबर तक के लिए सरकार ने अपने लक्ष्य को और भी बढ़ा दिया है, जिसके तहत अब 8 करोड़ तक का लक्ष्य तय किया गया है। वहीं इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि 31 दिसंबर 2021 तक जनता के योग से 8 करोड़ से अधिक टीकाकरण का आंकड़ा हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ के पार होने पर राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दिवाली से पहले ही दिवाली जैसा जश्न मन रहा है। कांग्रेसी कन्हैया कुमार जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल के साथ आज पहुंचे पटना। CPI से कांग्रेस में शामिल होने के बाद कन्हैया कुमार आज पहली बार बिहार आए हैं। वे कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल के साथ दोपहर में पटना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां कांग्रेस के ये 3 यंग स्टार चेहरे पटना एयरपोर्ट से सीधे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम पहुंचे। आपको बताते चले कि उपचुनाव के लिए इन तीनों को ही कांग्रेस ने स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया है, जिसे लेकर ही इनका पटना आगमन हुआ है। यहां से वे तारापुर और कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में भिड़ेंगे। इनका चुनावी कार्यक्रम कल से शुरू होगा, जिसके तहत 3 दिनों तक तारापुर में चुनावी सभाएं करने के बाद कन्हैया कुमार कुशेश्वर स्थान को चले जाएंगे। कुशेश्वर स्थान सीट के NDA प्रत्याशी को समर्थन देंगे मुकेश सहनी। VIP के संस्थापक और बिहार सरकार में मत्स्य व पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने कुशेश्वर स्थान सीट के लिए NDA प्रत्याशी अमन हजारी को समर्थन देने का ऐलान किया है। इसके लिए आज कुशेश्वर स्थान में वे उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं। वहीं बीते दिन मुकेश सहनी के पिता ने भी प्रत्याशी अमन हजारी को चुनाव जीतने का आशीर्वाद दिया। बताते चले कि मुकेश सहनी भी खुद दरभंगा के रहने वाले हैं। इस बारे में बीते दिन ही VIP पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने बताया कि VIP पार्टी सुप्रीमो श्री मुकेश सहनी कुशेश्वर स्थान के केवट गांव में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्याशी अमन हजारी को चुनाव में भारी मतों से जिताने के लिए VIP पार्टी ने चुनाव प्रचार की रणनीति बना ली है। गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिवस पर बिहार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के गद्दावर नेता अमित शाह अपना 57वां जन्मदिन आज मना रहे हैं। इस मौके पर उन्हें देश भर से बधाइयां मिल रही हैं, तो वहीं इस बाबत बिहार के राज्यपाल
फागु चौहान ने भी उन्हें बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करके उनके लंबे जीवन की कामना की। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट कर बधाई संदेश में लिखा कि माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह का जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा होने के नाम प्रधानमंत्री ने देश को किया संबोधित। 21 अक्टूबर को भारत ने कोविड-19 से जंग जीतने की दिशा में इतिहास रचा और देश भर में 1 बिलियन डोज कोरोना वैक्सीनेशन पूरा होने की उपलब्धि हासिल हुई। इस विशेष उपलब्धि के एक दिन बाद यानी कि आज सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने इसे हर एक व्यक्ति की उपलब्धि करार दिया। साथ ही बधाई देते हुए कहा कि 100 करोड़ वैक्सीन डोज सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि एक राष्ट्र के रूप में हमारी क्षमता को दर्शाती है। ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब भी है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानती है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज कई लोग दुनिया के बड़े देशों से भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना कर रहे हैं। कांग्रेस ने पप्पू यादव को चिट्ठी लिखकर मांगी मदद। बिहार में 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियां साम दाम दंड भेद सब अपनाकर जीत के लिए पूरा प्रयास कर रही है। सबसे ज्यादा जोर आजमाइश विपक्षी महागठबंधन की पार्टियों में दिख रहा है जिनके अपने ही अलग अलग प्रत्याशी खड़े हैं। इस बीच कांग्रेस ने राजद के विरोधी माने जाने वाले पार्टियों को अपनी तरफ करना शुरू कर दिया है और जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव से खुला समर्थन मांगा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पप्पू यादव को बतौर एक पत्र भेजकर कहा कि वो उनके प्रत्याशियों को जिताने में सहयोग करें और कांग्रेस के पक्ष में काम करें। आपको बता दें कि जाप ने भी कुशेश्वर स्थान से अपने उम्मीदवार को उतारे हैं। हालांकि वे कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर सकते हैं। भारत पाकिस्तान के मैच के लिए स्टेडियम की वेटिंग टिकट की संख्या में हुआ इजाफा। 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के बीच संयुक्त अरब अमीरात में T20 वर्ल्ड कप का मैच खेला जाएगा। इस मैच की दीवानगी पहले से ही क्रिकेट फैंस के सर चढ़कर बोल रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा इसी मैच की है क्योंकि UAE में भारत पाकिस्तान दोनों ही देशों के लोगों की बड़ी आबादी है तो इसके चलते यहां इस मैच का रोमांच भी सबसे ज्यादा अलग है। तो दूसरी तरफ भारत पाक मैच के टिकट बिक्री शुरू होते ही मिनटों में बिक गए। शुरुआती 30 मिनट में वेटिंग 13,000 के पार पहुंच गई तो वहीं कई प्लेटफॉर्म पर टिकट 4 से 5 गुना अधिक दाम पर बेचे जा रहे हैं। टिकट खत्म होने से मैच लाइव देखना बहुत से लोगों के लिए अब सपना भी बनकर रह गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार में इतनी अधिक बेरोजगारी होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।